तो हेलो दोस्तों, तो क्लर्क कैशियर का मेरे पास एनालिसिस आ चुका है। मैं आपको बताता हूँ पेपर में क्या क्या आया था, आपके क्या सेफ अटेम्प्ट रहेंगे, किस तरीके से आपने पेपर दिया होगा। दोस्तों 200 मार्क्स का पेपर था, सेक्शनल टाइमिंग थी, रीजनिंग, क्वांट, जो जो चीज़ें आई थी मैं सारी चीज़ें जितना मुझे पता चल पाया, क्योंकि मैंने खुद पेपर नहीं दिया बट मैंने अभी एनालिसिस लिया, तो दोस्तों उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ रीजनिंग। अब देखिए दोस्तों, रीजनिंग में क्या क्या आया था, देखिए चार पजल्स आ रखी थी। उन चार पजल्स में से एक सर्कुलर पजल थी जिसमें सब अंदर देख रहे थे। पैरेलल रोज पजल भी आई हुई थी, चार लोग ऊपर चार लोग नीचे। ऑर्डर रैंकिंग की कि 6 लोगों का आ रहा था कि इसके मार्क्स या जो भी है, इसके मार्क्स इससे ज़्यादा, उसके मार्क्स उससे ज़्यादा, तो 6 लोगों को रैंक वाइज आपने बैठाना था। चौथी पजल का दोस्तों मेरे को पता नहीं चल पाया था। फिर 5 मार्क्स का इसमें सिलॉगिज्म आया था और 5 मार्क्स का इसमें कोडिंग डिकोडिंग आई थी, जैसा मैंने आपको बताया था। बैंक का सिलेबस है, कोई भी फर्दर एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं आएंगी। फॉर एग्जाम्पल आप लोग बोल रहे थे जैसे कैलेंडर आएगा, क्लॉक आएगा, दोस्तों ऐसा नहीं आया, बिल्कुल बैंक का एग्जाम का लेवल का पेपर आया जैसा मैंने आपको बताया था। अब बात करते हैं दोस्तों क्वांट के बारे में। अब क्वांट में 2 DIs आई थी। पहली DI थी ABCDE, 5 लोग हैं उन, या 5 गार्डन से अलग अलग, वहाँ 2 टाइप के फ्लावर्स होते हैं, लिली और रोज़। उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे, रेशियो पूछा था, एडिशन पूछा था वगैरह वगैरह। डायरेक्ट वैल्यू प्रिडिक्ट करनी थी, एडिशन करना था, सीधा सीधा सा आंसर आ जा रहा था। सेकेंडली लाइन ग्राफ DI आई थी, एक सुनने में आ रहा था कि जिसमें ABC 3 टाइप के स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, कुछ भी हैं, उसमें 2 टाइप के स्टूडेंट हैं जो कि वोकल स्टडी भी करते हैं और इंस्ट्रूमेंट की स्टडी भी करते हैं। फिर से एक बड़ी ही नॉर्मल सी DI। जिस स्टूडेंट से मैंने बात करी उसका ये कहना कि था कि सर जो मैथ्स आई थी वो काफ़ी ईजी आई थी, RRB क्लर्क का जो सबसे इजीएस्ट पेपर होगा लगभग उस लाइक की इसकी क्वांट पूछी गई थी। वेल इसके बाद दोस्तों 5 मार्क्स की मिसिंग नंबर सीरीज और 15 मार्क्स का सिंप्लीफिकेशन। बचे हुए जो क्वेश्चन आए थे वो अर्थमेटिक के आए थे और अर्थमेटिक भी क्वाइट डूएबल था। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आए थे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आए थे, बड़े नॉर्मल रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आए थे, एज बेस्ड और ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन आए थे, जिससे पेपर काफ़ी ईजी बन गया था। उन्होंने 40 क्वांट में अटेम्प्ट करे हैं और 40 उन्होंने रीजनिंग में अटेम्प्ट करे हैं। अब अगर मैं इंग्लिश में बताऊं दोस्तों, इंग्लिश में उन्होंने सीधे कहा कि सर जो इंग्लिश थी वो क्लास 8 का बच्चा भी इंग्लिश बना लेगा, तो आप समझ सकते हैं इंग्लिश का लेवल कैसा आया था। इंग्लिश में स्टोरी बेस्ड एक पैसेज आया था, बड़ा नॉर्मल सा एक पैसेज था। फिर एरर पूछे गए थे, फिलप्स पूछे गए थे और इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछी गई थी। तो 20 मार्क्स का जो आपका इंग्लिश का पेपर था वो काफ़ी ईजी आया हुआ था। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपके मार्क्स कितने और कैसे रहने वाले हैं। सिमिलर पैटर्न उनको देखने को मिला हिंदी में, जहां उनको एक पैसेज मिला था जिसको हम गद्यांश कहते हैं, एरर मिला था कि आप गलतियां निकालो वगैरह। फिर फिलप्स भी आ रखे थे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कहते हैं जिसे यूजुअली, और जंबल सेंटेंसेज आए थे, जंबल सेंटेंसेज जो कि हिंदी में आते हैं कि ये वाक्य इससे पहले होना चाहिए वगैरह वगैरह। इस तरीके से 20 मार्क्स की दोस्तों आपकी हिंदी भी आई थी, जो कि बड़ी बहुत ज़्यादा टफ मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। फिर 2 चीज़ें जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान बच्चों का था वो था कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आ रखे थे, लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन आए थे, मेरे सुनने में आया था शॉर्टकट कीज इस बार नहीं पूछी गई। फिर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इस तरीके के मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी तक नहीं मिल पाए हैं, बट मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा उनके मेरे को आंसर्स मिल जाएं। अगर आपके पास कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उनको कोशिश करूंगा कि मेरे पास उनके आंसर आप सभी लोगों को मैं प्रोवाइड करवा लूँ। क्योंकि इस पेपर में, बैंक के पेपर में कोई भी आंसर शीट नहीं आती, तो ऐसे ही आपने आंसर्स का पता लगाना पड़ता है। वेल दोस्तों मेन चीज आई GA। मैंने कहा था 60 मार्क्स की GA है, GA सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। सबसे पहली चीज मैंने आपसे कहा था लास्ट 6 मंथ पढ़ लीजिए। अगर आपने 6 मंथ पढ़ लिए होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 मंथ तो बहुत जरूरी है, जिसमें से हो गया, एक हो गया आपका मई, एक हो गया अप्रैल और एक हो गया मार्च, और मैंने कहा था जून का जो इलेक्शन वाला पोर्शन है वो जरूर आप लोग पढ़ लेना। तो इसमें अगर मैं बताऊं दोस्तों, मई और अप्रैल से मैक्सिमम चीज़ें पूछी गई थी और फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछा गया था, आई मीन न्यूज़ पूछी गई थी, जैसे ये कंपनी ने ये लिया या ये कंपनी का इतना पैसा वैसा, नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन आ रखे थे, जिसे GA का सेक्शन सबसे टफेस्ट सेक्शन बन जाता है। और ये ही वो सेक्शन है जो बताएगा किसी बच्चे का सिलेक्शन होगा या किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ बच्चों ने 10 अटेम्प्ट भी कर रखे हैं, कुछ बच्चों ने 50 अटेम्प्ट भी कर रखे हैं, लेकिन 50 वाले वही हैं जिन्होंने तुक्के मार के आए हैं। तो मेरा मानना ये था GA में तो आपने बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से काम करना था। GA का सेक्शन एक लौता ऐसा सेक्शन है जिसमें आपने अच्छे से काम करना था, जिसमें मार्क्स आपके घटेंगे, जिसकी वजह से फाइनल कट ऑफ भी है वो भी घटेगी। अवार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आए थे, ये अवार्ड किसको मिला, गैलेंट्री अवार्ड किसको मिला, तो ये सारे कुछ क्वेश्चन आए हुए थे।
तो दोस्तों ये पूरे का पूरा आपका एनालिसिस है कि बैंक का पेपर आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का पेपर आपका कैसा आया था। अगर मैं आपके सेफ अटेम्प्ट की बात करूं रीजनिंग में, ये मैं अटेम्प्ट कहूंगा या मार्क्स कहूंगा दोस्तों। मान लीजिए आपने 40 अटेम्प्ट करे हैं, सारे तुक्के मार दिए, जीरो मार्क्स हो गए, माइनस में आ गए मार्क्स, ऐसा तो होगा नहीं। तो मैं अगर मार्क्स के बारे में बात करूं, अगर आपके रीजनिंग में 35 के आसपास मार्क्स है तो वो अच्छे अटेम्प्ट है। क्वांट में अगर आपके 30 के आसपास अटेम्प्ट है तो वो अच्छे अटेम्प्ट मानूंगा मैं, इनफैक्ट 30 से थोड़ा ऊपर ही। इंग्लिश में 20 में से लगभग 20 लाए जा सकते थे, चलो अगर किसी की इंग्लिश वीक भी है तो 15 के आसपास इंग्लिश में लाना बनता है। कंप्यूटर में भी मैं कहूंगा 20 में से 12 मार्क्स से ज्यादा अगर आपके आ रहे हैं, 10 से या 10 से ज्यादा आ रहे हैं तो आपकी कंप्यूटर ठीक गई हुई है। हिंदी में आपके फिर से वही कहूंगा, 20 में से अगर आपके 10 12 मार्क्स आ रहे हैं तो अच्छा है, आपका हिंदी भी अच्छा गया है। मेन चीज है दोस्तों जीए, जीए में अगर आपके 60 मार्क्स में से अगर आपके 10 15 मार्क्स सही हैं, 10 15 क्वेश्चन एकदम सही हैं, तो आप एक ठीक जोन में हो। अब ऑब्वियसली बात है दोस्तों, जिसने ज्यादा पढ़ा होगा तो 20 25 मार्क्स भी लाया होगा, और जिसने नहीं पढ़ा होगा वो जीरो मार्क्स भी लाएगा, 5 मार्क्स से कम भी लाएगा। जीए इज द गेम चेंजर ओवर है, तो जीए में अगर आपके 15 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में हो। तो इसी हिसाब से अपनी जो कट ऑफ है दोस्तों वो भी आप प्रेडिक्शन लगा लीजिए, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। कुछ लोग होंगे जिन्होंने रीजनिंग में 40 करे हैं, क्वांट में भी 40 करे हैं, जो बैंक की तैयारी करते थे, जो पहली बार दे रहे होंगे, उनको जरूर एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि जो हमने पढ़ा वो बैंक के पेपर में आया। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल दोस्तों। मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा जो JBM का पेपर होगा उसके बारे में भी, बट फिलहाल मैं बता दूं क्लर्क कैशियर का पूरा एनालिसिस मैंने आपको दे दिया है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।